बात करेंगे सियासी खबर के साथ। कांग्रेस ने बस्तर में 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी शंकर सप्तगिरी उल्का जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की बात कही। कोरोना से लड़ने, योजनाओं और जनता को जागरूक करने के साथ ही कार्यकर्ताओं से मेहनत करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीणों की नाराजगी जल्द दूर करेगी। ये प्रदेश की पहली सरकार है जो आदिवासियों से सीधा संवाद करने में विश्वास रखती है। सिलगेर विरोध के दौरान सरकार ने 9 सदस्यीय दल भेजा था और जो भी समस्या है उसे जल्द सुलझाया जाएगा। 2023 की चुनाव की प्रक्रिया हम लोग शुरू कर दिए। अगली बार फिर से हम लोग सरकार बनाएंगे एंड 2024 में भी कैसे 10-11 सांसद जिता के जाएंगे, उसी का प्रयास अभी से आरंभ हो गया है। अब छत्तीसगढ़ शासन का जो विभिन्न कार्यक्रम है वो लोगों तक तो पहुंच पा रही है कि नहीं पा रही है। बाकी कार्यकर्ता में अगर कुछ उनके सवाल है, कुछ उनके सुझाव है या शिकायत है तो उसको सुन के हम मुख्यमंत्री जी एंड हाईकमान तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। चलिए, कांग्रेस की और क्या कुछ तैयारियां इसके लिए रुख करेंगे, सीधे हम अपने संवाददाता प्रशांत गजबिये की तरफ। प्रशांत, 2018 में अगर कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में जो सहायक चीज़ें हैं उनमें बस्तर का जिक्र ज़रूरी है और शायद कांग्रेस भी उसकी अहमियत को समझती है, इसीलिए बस्तर में अब फील्ड पर काम शुरू हो गया है। जी बिल्कुल सोहेल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि छत्तीसगढ़ में अगर सरकार बनानी है तो कहीं ना कहीं उसका दरवाजा जो है वो बस्तर से खुलता है और बस्तर में जिस भी पार्टी, जिस भी दल का मजबूत स्थिति रहती है वो छत्तीसगढ़ में सरकार बनाते हुए हमने देखा है। और उसी चलते जो है 2.5 साल के कार्यकाल में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी जो है वो खुलकर सामने आ रही थी, क्योंकि 2.5 साल में कहीं ना कहीं कोरोना काल भी था और शुरुआती तौर पे जो चुनाव का समय था उस कारण से कार्यकर्ताओं से बहुत ज्यादा मेल मिलाप नहीं हो पाया और ना ही उनकी समस्याओं को जान पाए बड़े नेता। इसको लेकर अब 2.5 साल पहले ही चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है और 2023 की मिशन 2023 में कांग्रेस जुट गई है और अब लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जिस तरीके से आज संभागीय बैठक की और इसमें जो बस्तर और सरगुजा के प्रभारी हैं वो पहुंचे हुए थे शंकर, और उनका कहना, स्पष्ट रूप से कहना था कि कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के चर्चा करेंगे और उनकी जो भी समस्या है और वो जो भी जिस भी चीज से नाराज है उन सारी समस्याओं को जो है आलाकमान तक पहुंचाया जाएगा ताकि उनकी समस्याएं दूर हों और दोबारा से जो है बस्तर में 12 की 12 सीट जीतकर छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाने की बात कही है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो कोरोना है, कोरोना काल में जिस तरीके से चीजें थी उसकी तैयारी और कार्यकर्ताओं को जोश के साथ ये भी चीज समझाई गई है कि यहाँ जो भी ग्रामीण है वो खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करें और साथ ही साथ जागरूक करें लोगों को कि कोरोना काल में किस तरीके से रहना है और सारी चीजें। और आज संभागीय बैठक के बाद जो है यहाँ से दंतेवाड़ा के लिए जो है वो रवाना होंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रशांत तमाम बातचीत के लिए। तो बस्तर में इस वक्त बीजेपी का सूपड़ा साफ है और कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में बस्तर का अहम योगदान है। कांग्रेस इस बात की नज़ाकत को समझती है, इसलिए 2.5 साल पहले से अब बस्तर में फील्ड पर कांग्रेस ने गंभीरता के साथ काम शुरू कर दिया है। मिशन 2023 की तैयारियों में कांग्रेस बस्तर में जुट गई है।